Good afternoon everybody. We are very happy to be here amongst you Nandita Nawaz and of course the man Manto. Saadat Hasan Manto. It's difficult to talk about a film which one hasn't seen. But one has read enough of Manto. सो आई विल स्टार्ट विदाउट एनी without much ado मैं आपको जल्दी से मंटो साहब के बारे में बता देता हूं कि मंटो साहब खुद को क्या समझते थे अपनी इंट्रोडक्शन अपना परिचय कैसे देते थे सादत हसन मंटो बहुत जल्दी चले गए इस दुनिया से तैतालीस साल की उम्र में बयालीस साल की उम्र में उनका कहना था अपने बारे में कि ज़माने के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं अगर आप उससे नावाफ़ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए वो दौर आज का दौर ज़्यादा अलग नहीं है अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ये ज़माना नाकाबिल बर्दाश्त ये थे जनाब स्वादत हसन मंटो मेरा पहला सवाल नंदिता से है नंदिता हमने हिंदी के जितने लेखक हैं उनके बारे में पढ़ा है उनको पढ़ा है उनके बारे में सुना भी है मंटो को सिर्फ उस तरफ के लोग ज्यादा पसंद करते आए हैं जो पार्टीशन के बाद से यहां पर आए या जो उर्दू उदा थे आपने मंटो को क्यों चुना फिल्म का सब्जेक्ट वैसे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मंटो को काफ़ी सराहाया गया था यहाँ काफ़ी सारे हमारे इंटरनेशनल दोस्त भी हैं तो मैं अंग्रेज़ी हिंदी मिला के बोलूँगी तो शायद बेहतर होगा जी सो तो सादत हसन मंटो स्पेंड मोस्ट ऑफ हिस टाइम एक्चुअली इन इंडिया हम उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं क्योंकि लास्ट के वैसे सात आठ साल ही वो लाहौर में थे पार्टीशन के बाद गए मैंने मंटो को उनकी नेशनैलिटी की वजह से नहीं चुना उनके रिलिजन की वजह से नहीं चुना आई चोज मंटो फॉर वॉट ही स्टूड फॉम मंटो डिफाइंड हिमसेल्फ एंड ह्यूमन बींग्स बियॉन्ड द आइडेंटिटीज ऑफ नेशनलिज्म एंड रिलीजन विच वी आर ऑल फेसिंग ही वॉज अ बिग चैम्पियन ऑफ फ्री स्पीच एंड फॉट मेनी बैटल्स ही वॉज ट्राइड फॉर ऑब्सैनिटी सिक्स टाइम्स ही रोज स्टोरीज दैट वर रॉ दैट वर ट्रूथफुल He had a very deep conviction and that gave him a lot of courage. And like you said, he's so relevant today. <laughs> and it is the best way to respond to today. I felt Manto is the right person to talk about because by doing a film on Manto, actually, what I'm trying to do is to respond to today. And that's why for me it was a clear choice. Nawaz a trained actor. हुँ? आप एक तो नवाजुद्दीन जो हैं एक ट्रेन्ड एक्टर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं वहां पर एक जो स्कूल होता है एक्टिंग का उसको मेथड एक्टिंग बोलते हैं स्टेनिस लवस्की साहब उसके एक बहुत बड़े नाम माने गए हैं नवाज साहब मुझे बताएं मंटो का जो किरदार है उसको आपने किस तरह से समझा क्या क्या तैयारी की सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी मंटो को प्ले करने में आप सुन भी लीजिए इतना प्यार करते हैं तो उनकी बातें भी सुनना जायज है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी मंटो को करने में कि उन्होंने हमेशा सच बोला और जो देखा वही लिखा लेकिन मैं ऐसा नहीं था तो कैसे उस रोल को करूंगा वो सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि वैसा होना पड़ता है किसी रोल को अच्छे से निभाने के लिए वैसा होना पड़ता है मैं तो लाइफ में सच बता रहा हूं बहुत झूठ बोलता हूं बहुत uh, मनटो जैसा मैं नहीं हो सकता लेकिन मैंने कोशिश की हमारी डायरेक्टर ने कोशिश करवाई कि उस दौरान जो तीन महीने थे मंटो को करने में कि जो मैं जितना भी मेरा मेरे अंदर सच हो सकता था वो सामने लाके खड़ा करूँ पहले खुद को प्योर करूँ तभी मंटो का कैरेक्टर कर सकते हैं आप लेकिन मैं तो बहुत पॉल्यूटिड था लेकिन कैसे कैसे करके हमने हमने उसकी प्रोसेस स्टार्ट की अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्टर जो जिस तरीके से उन्होंने चाहा वैसा किया और उसी दौरान जब मुझे मुझे लगा कि हाँ मैं अब शायद मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ तो तब हमने शूटिंग स्टार्ट की लेकिन जैसे ही उसकी शूटिंग खत्म हुई तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी से इसको निकाल दो अपने पूरी दिमाग से क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी पर नहीं निकले कोशिश कर रहा हूँ निकल जाए एज ए डायरेक्टर आप क्या चाहती थी नवाज से नवाज में एक बहुत एक बहुत एक किसी भी किरदार में ढल जाने की एक है कई बार एक्टर्स बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं पर फिर भी वो एक्टर दिखते हैं। पता चलता है कि वो एक्टर को हम भूल नहीं पाते नवाज में ये एक एबिलिटी है कि वो रमन राघव जैसे भी कर सकते हैं और गैंग और माझी भी और मंटो भी मंटो <laughs> की जो सच्चाई वो ऐसे ही आपको कह रहे हैं कि वो झूठ से घिरे हुए हैं ऐसा नहीं है उनमें भी एक बहुत सच है बल्कि उन्होंने मुझे फिल्म खत्म हो जाने के बाद फ़ोन करके कहा कि ये क्या करवा लिया मुझसे अब मंटो मेरे अंदर से जा ही नहीं रहे तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है ये तो आप बल्कि इस कश्म में है तो ये तो अच्छी लड़ाई है अपने आप से कि वो सच वो हिम्मत वो सारी चीज़ें आपका अगर एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए इससे बढ़िया चीज़ एक किरदार आपको क्या दे सकता है और आ, मंटो में कई ऐसी चीज़ें थी जो नवाज़ में भी हैं एक तो इन दोनों का गुस्सा एक जैसा है काफ़ी गुस्सैल है दोनों दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और थोड़ा सा एरोगेंस जो मंटो में है वो हल्का सा नमाज में भी है और एक डीप सेंसिटिविटी पर हम सभी हमारे में इतनी सारी कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं तो मंटो में भी वो कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं वो एरोगेंट भी है लेकिन बहुत सेंसिटिव और जेनुन और लविंग भी हैं वो एक लेवल एक पे बहुत करेजियस कोर्स है मॉरल करेज उनका बहुत था दूसरे लेवल पे कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से डरते भी थे ये सारी चीजें हमारे अंदर भी है तो बहुत रियल ह्यूमन बींग है और आई थिंक नवाज ने बहुत ही खूबसूरती से इस रोल को अदा किया है मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्होंने मनोज कुमार साहब को कहा कि आप ऐसी देशभक्ति की फिल्में बनाएं जिसमें आप भारत हों तो मनोज कुमार साहब बोले कि मैंने बना तो दी लेकिन उसके बाद मैं किसी भी फिल्म में हीरोइन को छू तक नहीं पाता था क्योंकि मैं भारत था तो आप मंटो को अब निकाल दे बाहर अपने अंदर से और नॉर्मल हो जाएं। ऐसा कुछ सोचा आपने बिल्कुल मैंने निकाल दिया मंटो को आ, क्योंकि हाँ कोर्स अब तो खत्म हो गई ना फिल्म <laughs> अब पिक्चर खत्म हो चुकी है उसकी शूटिंग अब मैं बिल्कुल आ, मंटो से बिल्कुल बाहर आ चुका हूँ लेकिन आपने जो एक वो पहला पहला जो वो सुनाया था कि वो ईगो मेरे अंदर अभी भी है जो मंटो के अंदर थी कि जो लोग मेरी कहानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि जमाना ही नाकाबिल बर्दाश्त है तो वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है कि जो लोग मेरी एक्टिंग को पसंद नहीं कर सकते इसका मतलब आप में ही कोई कमी है सॉरी बहुत ज्यादा हो गया मंटो ने जिंदगी की हकीकत को बहुत करीब से देखा था और हिंदुस्तान के जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल नहीं होते हैं हाँ आपने भी बहुत करीब से देखा है अपने बचपन में भी अपने बढ़ते हुए सालों में भी आप रामलीला में भी काम किए हैं और आपको मना भी किया गया एक दफे शायद हाँ तो ये कितना काम आया आपको मंटो का किरदार समझने में असली जिंदगी से जुड़ाव जो होता है जुड़ाव जो होता है जो जुड़ता है इंसान वो कितना काम आया मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो लाइक like, जब मैं अपने छोटे से गांव में रहता था तो वहाँ पे इतना ज़्यादा झूठ का इतना ज़्यादा चलन नहीं था जो सच जो सामने है वो बोलते थे और वो उसी अदा को लोग पसंद करते थे कि यार ये जो भी है वैसे ही है, ही है। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता गया जैसे उसके उसके बाद में बम्बई आया तो वहाँ हर चीज़ ख़ासतौर से बना बना के प्रडिक्शन कि भाई मैं ऐसा सोचता हूँ मैं ऐसा हूँ जबकि वो ऐसा नहीं है चूँकि रिवाज है सबका तो वहाँ पे मैं भी उसी वक्त पे पॉलिटिड होता चला गया बहुत सारे झूठ मैं भी बोलने लगा तो मंटो का आई थिंक मेरे बचपन से बहुत जुड़ा हुआ है जब मैं सच बोलता था तो मैं इसलिए महसूस कर सकता था मनटो को कि एक जैसे बच्चा होता है बच्चा जो देखता है जो उसको दिखता है जो उसको समझ में आता है वैसे ही बोलता है लेकिन जो हम देखते हैं उसको हम इंटरप्रटेट करके बोलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ही बोलें। तो ये जो पर्दे गिरते चले गए जिसकी वजह से हम एक शैल में घुसते चले गए तो वो आई थिंक वो अभी भी ऐसा लगता है कभी कभी कि यार बहुत कम लोग हैं जो आज उनमें से मैं ऑफकोर्स विनोद जी आ, मैं उनके सारे प्रोग्राम देखता हूँ उनको देख के इतना अच्छा लगता है कि थैंक गॉड कोई है जो 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 जिसकी वजह से हम लोग कोई है जो सच बोल रहा है तो वो बहुत अच्छा लगता है वो और हम अपने आप कहीं न कहीं के, के हम नहीं बोल रहे इसलिए वो ज्यादा और ज्यादा अच्छे लगते हैं कि थैंक गॉड की इतनी हिम्मत किसी में है कि जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कि एक आशा नजर आती है होप नजर आती है ऐसे लोगों को देख के जो शायद हमारे अंदर नहीं है हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं शायद नंदिता आप मुझे बताएं मंडो के बनाने की जो पूरी प्रक्रिया रही जो पूरा प्रोसेस रहा हुँ? उसमें और भी किरदार है मंडो के लिए नहीं थे मंटो ने जैसी जैसी कहानियाँ लिखी उसमें वाकई उनका कहना है कि अगर मेरा सच आपको नाकाबिले बर्दाश्त है तो आप उसके काबिल नहीं हैं बहुत लोग जानते हैं जो आम कहानियाँ हैं मंटो की आम से मेरा मतलब ज़्यादा पढ़ी गई कहानियाँ हैं वो टोबा टेक सिंह है दूसरी काली शलवार है तीसरी खोल दो ठंडा गोश्त लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि मंटो ने बिजली पहलवान पे भी एक कहानी लिखी थी अब बिजली पहलवान अपनी किस्म के एक रॉबिन हुड हुआ करते थे जिनका अपना फौज भी हुआ करते थे अब इस तरह की कहानियां भी उन्होंने लिखी बिजली पहलवान और जो जिंदगी की हकीकत है जो आस पास का उन्होंने पूरा देखा मेरा सवाल आपसे ये है कि मंटो के बाद नवाजुद्दीन के साथ अब क्या देखिए जो डायरेक्टर होते हैं वो इतनी जल्दी एक रोल से बाहर नहीं आ सकते ये तो अगली फिल्म करेंगे तो अफोर्ड कर सकते हैं मंटो से बाहर आना जो डायरेक्टर हैं जो जब से मैं इसके बारे में सोच रही हूँ यानी टू थाउजेंड ट्वेल्व दैट इज़ वैन आई फर्स्ट स्टार्ट रिसर्चिंग वैन इट वॉज ए सेंटिनरी सेलिब्रेशन एंड सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी टू रिसर्च बिकॉज एवरी थिंग इज फ्राम द रिटर्न वर्ड एवरी थिंग इज फ्राम द बुक्स दैट ही रोट एंड अदर्स रोड And then to write a script. It was a 10 year long film. And then in the life of 10 years of his life, it became seven and six. And now it's come down to four, almost 46 to 50. That's the period I have chosen, which is a very important period for both our countries, India and Pakistan, and also in the life of the author. So for me, the journey will finish not even with the end of making the film, but then to release it, to engage for me. टू बी ऑनेस दिस फिल्म इज मोर मींस टू एन एंड इट इज़ नॉट एन एंड इन इट सेल्फ एंड द आइडिया इज टू बी एबल टू एंगेज एंड ट्रिगर कॉन्वर्सेशउंड थिंग्स दैट वी कैफो जो सारी चीज़ें हमें तकलीफ देती हैं जिसके सवालों के जवाब हम खुद ढूंढ रहे हैं उन सब चीज़ों से इंगेज करने के लिए फिल्म बनाई गई है तो मेरी जर्नी तो अभी बहुत लंबी चलेगी और नवाज़ और बड़े स्टार होते जाएंगे तो और कम वक्त दे पाएंगे तो अभी देखते हैं लेकिन हम लोग आई थिंक हर दस साल तो एक फिल्म पक्का करेंगे फिराक हमने दस साल पहले की थी साथ और अब मंटो की तो इनशाला उससे पहले ही हो जाएगा कुछ काम फिल्म में गाने हैं तीन गाने हैं कोई नौ? पेड़ों के गिर गिर लेके नाच नहीं रहा नवाज पे फिल्म आए गए हैं फिल्म आया उसमें से एक गाना है जिसमें नवाज तो तकरीबन हर फ्रेम में है और कुछ कहानियां छोड़कर

फिल्म इंडस्ट्री में जो हमारे यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में अमूमन जो हीरोज होते हैं या हीरोइंस होते हैं या दूसरे एक्टर्स भी होते हैं उनको टाइपकास्ट कर दिया जाता है कि ये तो आर्ट सिनेमा से है ये कमर्शियल सिनेमा से है आपको कभी इस तरह का लगा कि जैसे मन तो आपने किया जैसे फिराक आपने किया तो हो सकता है करण जौहर की फिल्म में आप नाच ना पाए वो वैसी फिल्में भी करते रहते हैं थिंक वो अच्छा बैलेंस मेंटेन किए हुए हैं लेकिन खुद बताएं। मैं हाँ वैसी फिल्में भी बीच बीच में जैसे अभी मैं कर रहा हूँ एक फिल्म और कर रहा हूँ मैं जीनियस कर रहा हूँ तो उसमें डांस वंस भी है मेरा अक्सर कमर्शियल फिल्मों में एक डांस नंबर मेरा रख रक, रखने रक, लगे हैं आजकल हालांकि मेरे मुझसे डांस नहीं आता मैं करना चाहता बट uh, उससे मुझे लगता है कि एक्टर हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे भी uh, जहाँ से ब्लॉकेज होते है, हैं ना माइंड के वो भी थोड़ा सा उसको भी uh, चैलेंज करना चाहिए क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मैं डांस करूँगा फिल्मों में और अभी भी नहीं सोचता कि डांस करना चाहिए मुझे बट कमर्शियल फिल्म में पैसे बहुत मिलते हैं उसके <laughs> तो उसके बदले में वो सारी चीज़ें करवाना चाहते हैं वो लटके झटके वो सारी चीज़ें और मुझे

और ऐसी फिल्मों को एक सपोर्ट भी मिले और अपने दूसरी फिल्में भी करते रहे आप इन फिल्मों को भूलिएगा मत लेकिन उन फिल्मों में तो एक दौर था दिल्ली में सेवेंटीज का जब अंग्रेजी थिएटर भी अपने उर्ज पे था और हिंदुस्तानी थिएटर भी अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पर था तो जो तब के एक्टर हुआ करते थे अमूमन एनएसडी से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे सब हमारे दोस्त हुआ करते थे हम इकट्ठे ही बैठा करते थे किसी की जेब में पाँच रुपये किसी की जेब में दस रुपये तो हम लोग इसी तरह से थिएटर किया करते थे तो एक रिफ्यूजी मार्केट नाम की जगह है दिल्ली में बंगाली मार्केट के नज़दीक तो मरहूम ओम शिवपुरी से लेकर राज बब्बर से होते हुए अनुपम खेर से चलते हुए सब ने कुछ ना कुछ पैसा रिफ्यूजी मार्केट के ढाबे वाले का देना ही है आपका आपका भी है कितना <laughs> मैं इतना तो नहीं बता सकता कितना था लेकिन मैंने अक्सर वहां जाके खाना खाते थे और दोस्त चार पांच दोस्त ले लेकिन रिफ्यूजी रिफ्यूजी मार्केट में हम लोग ज... वो तब तक अवेयर हो चुका था वो कि ये लोग आएंगे पैसा ऐसा होगा नहीं इनके पास और हमें भी मालूम था कि वो फ्री में खिलाएगा नहीं तो हम पैसे लेके जाते थे हम लोग बहुत लोगों ने पैसा देना है उनका मैंने ये सवाल इसलिए पूछा अच्छे अच्छे एक्टर यहाँ पर एक्टर और स्टार का फर्क समझना जरूरी है जो एक्टर है वो नंदिता की फिल्म में काम करेगा जो स्टार है वो करण जौहर की फिल्म में काम करेगा तो मैं ये जानना चाहता हूं एक्टर से स्टार स्टार से एक्टर आप निभा पाते हैं मैं ये बैलेंस कर, 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 करना आगे है मुझसे भी मैं इनकी फिल्म करूँगा और जो कमर्शियल फिल्में होती हैं वो, वो भी क्योंकि मैंने इन तमाम लोगों को देखा है चाहे ओमपुरी हों नसीदीन शाह हों एक से एक बढ़कर टैलेंटेड लोग हैं आ, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ कुछ लोग पहुँच गए मेरे अंगने में किसी को किसी का काम दिखाते दिखाते तो बस मैं इतना ही आखिर में जानना चाहूंगा आखिर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तो मैं चाहता हूं कि लोग भी सवाल पूछें आपसे बात करना चाहेंगे लोग आ, मैं एक बस आखिरी सवाल यह है कि अगर अगर ये शर्त बन जाए कि एक्टर बनना है या स्टार तो क्या बनेंगे एक्चुअली ये हमारे यहीं पे होता है कि एक्टर स्टार और ये आर्ट फिल्म ये कमर्शियल फिल्म ये कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म मेरे लिहाज से एक ही फिल्म होती है एक अच्छी फिल्म होती है एक बुरी फिल्म होती है या जैसे बाहर मुल्कों में तो नहीं होता ऐसा बिल्कुल कि भाई ये एक्टर है ये स्टार है तो मुझे या जो कैटेगराइज कर रखा है इंडस्ट्री में लोगों ने कि ये एक्टर है ये कैरेक्टर एक्टर कैरेक्टर एक्टर एक्टिंग करता है ये सपोर्टिंग एक्टर है फिल्म में स्किल और क्राफ्ट देखी जाती है ना स्किलफुली किसी काम को आप कर रहे हैं तो वो देखा जाता है ना कि ये मैं तो मैं तो अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं तो सारी चीजें लेना चाहता हूं मैं तो एक्टर भी बनना चाहता हूं मैं तो स्टार भी बनना चाहता हूं अगर आपको कोई ऐतिहासिक किरदार करना हो तो आपका मनपसंद ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कैरेक्टर कौन सा होगा मेरा है मुगल आजम के दिलीप कुमार मैं सच बता रहा हूं वो है स्पेशली और मेरे बहुत सालों से मेरे दिमाग में अगर उसका रीमेक होगा तो मैं दिलीप साहब वाला रोल करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह है कि मेरी पर्सनैलिटी को अंडेस्टिमेट की जाती है किया जाता है कि ये तो गैंगस्टर के रोल ही कर सकता है या तो ये कर सकता है मैं रॉयल रॉयल टाइप के भी रोल कर सकता हूँ और मुझे अच्छा लगता वो नहीं नंदिता अगर आपको इनको किसी ऐतिहासिक किरदार हिस्टोरिकल कैरेक्टर में कास्ट करना हो तो आपकी निगाह में ये किस रोल के लिए किस हिस्टोरिकल कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा है? पहली बात तो मैंने कर दिया क्योंकि तो है क्योंकि मंटो हिस्टोरिकल नहीं बनानी बहुत मुश्किल होता है आज के जमाने में टू रिक्रिएट दैट पीरियड क्योंकि आजकल हमने इतना मॉडर्न डे क्लटर सब कर दिया है बंबई में तो सब जगह ग्रिल्स लग गए हैं वो इमारतें जो इतनी खूबसूरत इमारतें हैं वो बिल्कुल ख़राब कर दी गई हैं सो so, मैं दोबारा पीरियड फिल्म नहीं करना चाहूँगी और आ, या इट। नहीं लेकिन ये जो मंटो वाली फिल्म है ये पीरियड फिल्म उस ढंग से तो नहीं कहला सकती क्योंकि अभी तक हमारा राष्ट्रपति भवन हो चाहे हमारे नॉर्थ साउथ ब्लॉक हो चाहे हमारे मंत्रियों के बंगलों हों वो वो सब पीरियड ही है, वैसे तो तो से संभाल के के रखे रखे गए गए ना जो आम जो आदमी पुराने मकान थे वो थोड़ी रखे गए। लाहौर में जहां पर मंटो साहब रहे थे लक्ष्मी लक्ष्मी मैं ठीक है और मेरी एक दोस्त है वो भी लेखिका है यहीं पर ही है और वो मुझे बता रही थी कि मंटो साहब लक्ष्मी मैंशन में भी डायग्नली उनके नीचे रहा करते थे वो जो पागल खाना है लाहौर वाला जी वो बिल्डिंग अभी भी कायम है तो ये तो वो दिस, दिस पुरानी इमारतों की बात नहीं पुरानी इमारतें तो बहुत खूबसूरत है लेकिन जब आप पीरियड फिल्म करते हैं तो आप राष्ट्रपति भवन में नहीं कर रहे हैं ना नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में नहीं कर रहे हैं गलियों में कर रहे हैं छोटी छुड़ छोटी सड़कों पर कर रहे हैं जहाँ पर चौल्स है वहाँ कर रहे हैं तो काफी मुश्किल होता है लेकिन उसमें मजा भी बहुत आया मैंने वो बम्बई देखा जो शायद मैं वैसे कभी ना देख पाऊँ जब हम लोकेशन ढूंढने जाते थे वो एक दौर था जहाँ प्रोग्रेसिव राइटर्स हुआ करते थे इसमत चुकताई, किशन चंदन करते थे किस तरह का माहौल होता था तो बहुत चीजें खो गई हैं मुझे लगता है वो फिल्म देखने से कुछ एक आपको झलक मिलेगी उस वक्त की और हमने क्या क्या क्यों खो दिया ये भी सोचने का मौका मिलेगा देखिए बारहवीं सदी पर फिल्म बनाना वो पीरियड फिल्म हो सकती है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो है जी आ, उसको पीरियड आप कहेंगी मैं नहीं कहूंगा बहरहाल आप कहें पीरियड क्योंकि आपने जो सवाल पूछा कि मैं इन्हें कौन सी रोल में हाँ, दोबारा देखना चाहूंगी ऐतिहासिक ऐतिहासिक मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं पहली बात तो मैं मंटो से बिल्कुल नहीं निकली हूँ मंटो में अभी घुसी हुई हूँ अंदर तक अभी हमने एडिटिंग खत्म की अभी जाकिर हुसैन साहब ने उन्होंने अभी म्यूजिक हमारा बैकग्राउंड स्कोर दिया है तो म्यूजिक के काम में लगी थी फिल्म मेकिंग एक स्टोरी टेलिंग है जबकि मैंने कहा कि वो एक जरिया है अपनी बात रखने का पर जब आप काम करते हैं तो उसका हर पहलू इतना इम्पोर्टेंट और टेक्निकल हो जाता है कि वो सारी चीजें करने में आप बैठ के ये सोचने का मौका भी नहीं मिलता है तो मैं झूठ नहीं बोलती ज्यादा इसलिए महज जाद कोई ज्यादा क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम लोग सब बोल देते हैं बट कोशिश करती हूँ कम से कम और मंटो साहब की देने की और भी कम की कोशिश हो रही है नवाज साहब मेरा सवाल आपसे आप मुगल आजम में दिलीप साहब का रोल तो करना पसंद करेंगे क्या संजय भंसाली की फिल्म में देवदास का रोल भी पसंद करेंगे बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं <laughs> देवदास अपकोस, आ, मैं अपने खुद के अपना इंटरप्रिटेशन होगा मेरा तो कर, बिल्कुल करूंगा अगर मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो और अगर नंदिता भी देवदास बना रही हो तो नंदिता की फिल्म है? देवदास उसमें भी करूंगा उसमें भी करेंगे <laughs> सब करूंगा सब <laughs> अब कुछ सवाल लेकिन एक एक करके हाथ बहुत खड़े हो रहे हैं और जी हाथ बहुत खड़े हो रहे हैं और जितना हमारे पास वक्त है उसमें अकोमोडेट करेंगे मैक्सिमम सवाल जितने भी हो सकेंगे माइक्रोफोन है आपके पास स्पीकर वो साहब नीली हाँ इनकी आवाज सबसे ऊंची थी पीछे वालों को मत भूलिए एक जन आप पीछे भी चला जाए हेलो या थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी माय क्वेश्चन इज फॉर नवाज सर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से मैम गुड सर नवाज सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका जो डिजायर्ड रोल थे या कैरेक्टर करना चाहते थे आप वो आपको काफी स्ट्रगल और काफी टाइम के बाद मिले तो वो जो पीरियड था उसमें आपने अपने को मोटिवेटेड कैसे रखा और दूसरा चीज इन दैट पीरियड वर यू एबल टू ड्रीम दैट कि अभी जो आप स्टार हो ये आप बन सकोगे ये तब आप सोच स पाते थे उस पीरियड में जब स्ट्रगलिंग डेज में थे मैं कोई ऐसे बहुत बड़े ड्रीम लेके नहीं आया था मैंने क्योंकि मैं थिएटर में थिएटर करता था दिल्ली में तो पैसा वैसा था, होता नहीं था थिएटर में तो पैसा होता नहीं तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर ऐसे ही फालतू तो में मरना है तो बम्बई जाके मर जाते हैं यहाँ भी मरना ही हो रहा है तो मैं इसलिए गया था उसलिए मैंने छोटे छोटे रोल स्टार्ट किए क्योंकि वही मिल रहे थे मुझे लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बहुत तो ये ड्रीम लेके नहीं गया था जी मैं ये सोचा था कि जो भी काम करूँगा वो चाहे एक ही सीन हो चाहे फोर्टी सेकेंड का सीन हो उसको अच्छे से ऑनेस्टी के साथ करके आऊंगा अब हम दो दो सवाल इकट्ठे पूछेंगे तो पहला पहला सवाल आप इस तरफ आ जाइए इस तरफ आ जाइए ये मैडम जो हैं हाँ एक सवाल पहले आप पूछेगी फिर एक सवाल कहीं और से और दो सवाल का जवाब आप दोनों को इकट्ठे ही माई क्वेश्चन इज फॉर नंदिता मैम

Ye jo. Ha, these days, definitely, there's a lot of censorship issues that are coming up. Um, i think art, if art has to flourish, it needs freedom. there's no question about it. There's, the whole concept of censor board and to censor films in itself is faulty. how can a handful of people decide what all of us as a nation want to see? Right? they are actually undermining you. आपको छोटा कर रहे हैं ये कहकर कि भाई हमें पता है आपको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए तो अपनी आज़ादी के लिए हम अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा राइट दूसरी बात है दैट नाउ देर आर सम सेल्फ प्रोक्लेम कस्टोडियंस ऑफ कल्चर हु हैव डिसाइडेड दैट वी विल टेल यू व्हाट इज राइट और रॉन्ग दैट ऑल्सो इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर अस वी कैन नॉट अलाउ अगेन वेदर यू कॉल देम फ्रिंज एलिमेंट्स यू कॉल देम A mob mentality, you call them a particular community, whoever that might be, it, it's, that's immaterial. The point is that good stuff will happen and bad stuff will happen if you get freedom. It's not that everything good is going to happen. But I must fight. If I believe in freedom, I must fight even for those who are making films that I disagree with. Because only when we have the freedom to do Different kinds of things, diverse voices when they come out, then slowly we will get discerning and we will realize that the good will survive. And we must believe in that. So I think all of us need to be vocal about it and not allow the censor board to decide our destiny. And let's hope that Manto doesn't get into these troubles because I think it's a story worth telling. उसमें क्या कॉन्ट्रोवर्सी है, है तो आप लोग सहयोग देंगे तो जरूर ठीक से ऑनलाइन व्यूअर्स भी बहुत है इस वक्त जो ये पूरा सेशन देख रहे हैं तो एक सवाल उनके लिए अगर वक्त बचा तो मैं आपके पास आऊंगा वैसे बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है सेंसर नाम की कोई चीज है नहीं जैसे नंदिता बता रहे थी सेंसर है। सवाल है ये। लोकेश महाजन का सवाल है मुझे उम्मीद है कि वो देख रहे होंगे नवाज भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आपका मजहब अलग है पर आपको हिंदू रीति रिवाजों का ज्ञान बहुत है कैसे 26 जनवरी का दिन है क्योंकि मैं शुरुआत से वही उस माहौल में रहे लाइक जैसे रामलीला हर रोज़ देखने जाता था मैं और मैं जब वापस देख के आता तो मेरे फादर कभी क्वेश्चन नहीं करते थे कि भाई दो बजे रात के तीन बजे रात के क्यों आया क्योंकि उनको मालूम है कि एक अच्छी चीज़ देखने जा रहा है तो हमारे यहाँ हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि सारी एक दूसरे की हर चीज़ को एक ऐसे जानते हैं कि कोई ऐसे कोई नया नहीं लगता है तो जब वो ही ऐसे हुई थी तो आज हम एक दूसरे से अलग क्यों माने अपने आप को जब हमारी पैदाइश या हमारी शुरुआत हमारा बचपन ऐसे गुजरा है तो हम आज अजनबी क्यों क्यों होना चाहते हैं मेरा सवाल इसी सवाल से आगे है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं या आप भारतीय हैं तो आपका जवाब क्या होगा बिल्कुल आ, मैं मुसलमान भी हूँ और भारतीय भी हूँ और दूसरी बात यह है कि मैं जब मैंने होश संभाला जब मुझे अकल आई और जब मैं मैच्योर हुआ तो मैंने पाया कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ बेसिकली मैं आर्टिस्ट ही हूँ मैं एक इंसान हूँ सबसे पहले तो मैं एक इंसान हूँ माफ कीजिए वक्त खत्म हुआ। हो गया हमें यहीं पर ही खत्म करना पड़ेगा बहुत सवाल है नवाजुद्दीन आपके सामने है, नंदिता आपके सामने है। आका। अब इस वक्त समय नहीं है मुझे बताया गया है कि हमें खत्म करना पड़ेगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच दिस लवली थैंक्स